दो स्टेज के ऊपर बैठे बुजुर्ग लोग, दोस्तों, भाइयों, बहन, मैं तो ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के आवाम हो गई है, जीत शुरू हो गया, पौने नौ हो रहे, इस वक्त कोई अदा नहीं हो रही, शुरू हो गया। और बीजेपी का जो सो एक एक कदम अपने पीछे हट रहा, एक चार पांच दिन के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि हम डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछेंगे आपसे, डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछेंगे, एक कदम पीछे। आज का स्टेटमेंट आया कि वालदा का, पेरेंट्स का, बाप का, माँ का, उनके हम जो सो पर्टिकुलर्स नहीं पूछेंगे किसी से। अब देखिए कैसा कैसा एक एक कदम पीछे जा रहे वो लोग। लेकिन दोस्तों, अभी जो सो हिंदुस्तान खतरे से बाहर नहीं है, अपन अभी खतरे से बाहर नहीं है। एक एक चीज मैं सभी लोगों को समझाना ही चाहता हूं कि समझो, कहीं पर 1000 गुड़चियां है, 1000 मकान है, इधर एक चार मकानों को आग लग गया, इधर एक चार मकानों को आग लग गया, पीछे एक 10 मकानों को आग लग गया, लेकिन बीच में बैठे से वाले अगर ये समझते हैं कि हमको अभी कुछ नहीं हुआ, हम कोई जैसे आगे आने की जरूरत नहीं है, पब्लिक में आने की जरूरत नहीं है, जलसा में आने की जरूरत नहीं है, जुलूसी में आने की जरूरत नहीं है, तो बहुत बड़ा गलती होगा, बहुत बड़ा गलती होगा। जब अतराफ आग लग गया तो कोई आदमी भी जैसो कोई इंसान बच नहीं सकता। तो हमारी फर्स्ट ये रिक्वेस्ट ये है, जो मंच पे बैठे सो लीडरों से हमारी ये रिक्वेस्ट है, सबको मिला लो, सबको मिला लो आपके साथ। हिंदुस्तान के जितने सेक्युलर फीलिंग रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के वास्ते लड़ते हैं, सेक्युलरिज्म के वास्ते लड़ते हैं, तमाम लोगों को जो साथ में लेके चलो। दूसरी चीज क्या बोले तो, अभी जो सो ऐसा मालूम होता कि जब इंसान का मौत नजदीक आता है, यानी तो बर्बादी नजदीक आता है, तो दिमाग खो लेता हूं, दिमाग खो लेता हूं। क्यों बोले तो, हम एक चार पांच महीने के नीचे, तीन चार महीने के नीचे हम लोग बहुत परेशान थे। क्यों परेशान थे बोले तो, अरे भाई ये एससी से एक बात करते, बीसी से एक बात करते, एसटी एक बात करते, माइनॉरिटी से एक बात करते, ये सब मिलने कब मिलेंगे लोग, ये सब मिलने का जो सो कोई जो सो चांस नहीं है, ऐसा हम लोग सोचते थे। मैं तो अमित शाह साहब को जो सो मुबारकबाद देना चाहता हूं, आपकी वजह से आज हिंदुस्तान के अंदर जितने माइनॉरिटीज है, जितने शेड्यूल्ड कास्ट है, जितने शेड्यूल्ड ट्राइब है, और जितने बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, और जितना जमहूरियत चाहते, सब मिलने वाले हैं, सब मिलने वाले हैं। अरे भाई छोड़ो माइनॉरिटी जो सो 14% होंगे, 15% होंगे, उसमें मिलाइए एससी 18%, और उसमें मिलाइए ट्राइबल्स 12%, अभी जो सो 40% हो गया, 45% हो गया उसमें, अब उसमें जितना मिला ये 5% पीसी, तो तुम कहां जा रहा रहने वाले? अरे तुम तो तुम्हारा गड़ा खोद रहे रे, तुम तो तुम्हारा गड़ा खोद रहे रे। देखिए ये लोग जो सो इनको हिंदुइज्म भी नहीं समझता, इनको हिंदुइज्म भी नहीं समझता, इनको ना वेदास समझते, ना उपनिषद समझते, ना भगवत गीता समझता, ये सच्चे हिंदू नहीं होते। अरे सच्चे हिंदू तो हम हैं,
क्यों बोले तो वेद का ये डिक्लेरेशन है, सर्वे जनो सुखिनो भवंतु, लोका समस्ता सुखिनो भवंतु। इसमें कोई कैस्ट नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। और जो कैस्ट और रिलीजन को लाने वाले, तुम कैसा हिंदू होते? अरे तुम तो विवेकानंद के अगेंस्ट बोल रहे। अच्छे अच्छे जो हिंदू के जो अच्छे जो फिलोसफर्स है, सेंट्स है, उनके अगेंस्ट आप लोग बात कर रहे। दोस्तों,